अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पिंडी न्यूज़। मैं हूं आपका होस्ट हादी शाह। आज हम रावलपिंडी इलाम इकबाल पार्क में मौजूद हैं, जहां से हम आपको दिखा रहे हैं कॉमन सेंस की सेकंड एपिसोड। यहां पर होंगे लोगों से मज़े मज़े के सवालात और उनके जवाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? साकिब नाम है मेरा। साकिब भाई कहाँ से हैं आप? यहीं के रिहायशी हैं? जी रिहायशी, बेसिकली हम कश्मीर से, रावलाकोट से। यहाँ पे सदकाबाद ट्रांसफार्मर चौक में रिहायश है हमारी, तकरीबन 10 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, फिर तो आप यहीं के हुए ना? जी जी, बैठो बैठो। अच्छा, हमारा एक प्रोग्राम है कॉमन सेंस, तो कॉमन सेंस, तो आपकी कॉमन सेंस कैसी है? सवाल करके चेक करते हैं कि कैसे सवाल है, ठीक है? मेरा सवाल ये है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती? जिसकी फटने की आवाज़ नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें। मसलन अचानक से आप आ गए। नहीं, मुझे आपको 2 दिन पहले नोटिफिकेशन भेजना चाहिए था। कुछ क्वेश्चन मुझे बता देते जिससे मैं तैयारी कर लेता। अभी मेरे जहन में आ नहीं रहा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, वो कौन सी ऐसी सोने की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सुनार बेचता नहीं है? सुनार वो जो डिस्प्ले पर लगाते हैं वही वाली? देखिए वो तो बेच सकता है ना, वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्प्ले पे लगा लेते हैं, वो नहीं बेचते हैं। सुनहार सोने की वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो बेचता नहीं है? देखिए जो सोना तैयार नहीं होता वो बेचते नहीं है, तैयार करते हैं फिर बेचते हैं, वो भी तो सोने की चीज़ ही हुई ना। नहीं देखिए, वो सोने की चीज़ नहीं है, ठीक है? अब मिसाल सोना है, उसने बेचना है, सुनहार है वो, चाहे वो बिस्किट की सूरत में हो या जेवर की सूरत में हो, वो तो सोना तो उसने डेफिनेटली बेचना है ना। लेकिन वो सोने की ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुनार बेचता नहीं है? सुनार बेचता नहीं है, ऐसी तो मेरे जहन में कोई चीज़ नहीं आ रही। वैसे सुनार तो सारी चीज़ें ही बेचते हैं, वो जो डिस्प्ले पे नहीं लगाते हैं वो उस तरह की सोने की ऐसी वो कौन सी चीज़ है जो डिस्प्ले पे लगाते हैं ना, वो सोना नहीं होता ना, वो आर्टिफिशियल भी होता है, सोना भी होता है बाज़ इस तरह की, उस पर पानी होता है सोने वाला, वो नहीं बेचते, वो नहीं बेचते। सोने की ऐसी कौन सी चीज़ है? ये भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चले फिर इंशाल्लाह मुलाकात होती है भाई से नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? बहार अली। बहार अली भाई, आप यहीं के रहिए हो या कहीं से आए हो? बेसिकली मैं चित्राल से हूँ, लेकिन पिंडी में रहते हैं काफी अरसे से। अच्छा, तो मतलब यहीं के हुए ना। कॉमन सेंस का साहब? पता नहीं, आजमाया नहीं कभी। चले हम आजमाए। हमारे पास ना एक सवाल है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती? फटने की आवाज़ नहीं होती, फटने की आवाज़ नहीं। भाई का कॉमन सेंस थोड़ा सा। अच्छा, फटने की आवाज़ नहीं होती, इसका कैसे फटेगा? कहते ना यार, बंदा फट गया ऐसे। अच्छा, फटने की यार, सॉरी जहन में नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा। अच्छा मैं बता दूँ, थोड़ा सा जोर डाल ले। फटने की आवाज़ नहीं होती है, नहीं जहन में नहीं आ रहा, जहन में नहीं आ रहा। थोड़ा सा जोर डाले यार, कोई ईंट वीट देना भाई के जहन में, जोर डालना। जोर डालें यार, कोई ईंट लेके आए, जोर डालें। जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती यार, नहीं जहन में नहीं आ रहा। चले मैं बताऊंगा, लेकिन उसके सजा के तौर पे आपको कोई भी गाना सुनाना पड़ेगा। यार मेरे से क्यों गाना सुनवा रहे यार, ए लोग आऊंगा चैनल देखना बंद करेंगे। नहीं नहीं सर, ये तो सजा है ना। देखिए सजा के तौर पे को अब मैं कौन सा सुनने का, मैं भी तो माइक पकड़ के खड़ा हूँ यार, मुझे गाना बिल्कुल भी नहीं आता। अच्छा फिर आपको क्या आता है? मेरे में टैलेंट कोई नहीं है, सारे हिडन है, मतलब नजर नहीं आने, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा। मतलब आप मिस्टर इंडिया हैं टैलेंट के। मेरे में बहुत कूट कूट के भरा हुआ है। अच्छा, मतलब हिडन टैलेंट में कौन सा टैलेंट? वो हिडन है ना, मुझे भी नहीं पता। ये भाई पहले हैं जिन्होंने कहा है कि भाई मुझे अपने टैलेंट के बारे में नहीं पता। अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हिडन टैलेंट आप बताएं भाई, की वो दोबारा नहीं, वो मुझे नहीं पता अभी, वो आपको नहीं पता? नहीं पता। चले मैं आपसे दूसरा सवाल कर लूं। चलो कर, ठीक है। सोने की वो कौन सी ऐसी चीज है जो सुनहार नहीं बेचता? नहीं, बिल्कुल आइडिया नहीं। अच्छा आप दोनों भाई करते क्या हैं? हम स्टूडेंट हैं इधर।
स्टूडेंट हैं तो फिर तो आपका ब्रेन थोड़ा सा तेज होना चाहिए ना। नहीं, कॉमन सेंस तो बहुत खराब है हमारा। ये एकेडमिक क्वेश्चन नहीं है ना, कॉमन सेंस तो ये हमें यूनिवर्सिटीज में नहीं। अच्छा, मैं जवाब दूंगा ना भैया, अब आपको सजा के तौर पे क्या कर सकते हैं? गाना तो ना पूछे। सुनार क्या नहीं बेचता, अपना दुकान नहीं बेचता? और नहीं, उसको अच्छे पैसे दें तो वो दुकान बेच देगा ना। अच्छा, पैसे की बात होती है, जितना आप दाम ज्यादा लगाएंगे वो इतना ही। तो यार वो सोनार जो चांदी नहीं बेचता? यार सुनार है वो, चांदी सोना दोनों बेचता है। अच्छा, बस नहीं आ रहा फिर भी ये दिन। अब फिर बताए ना सजा के तौर पर क्या किया जाए? वो तो आपकी सजा नहीं हुई ना, तो मेरी सजा हुई क्योंकि मैं भी अभी खाना खा के आ रहा हूँ। तो सवाल तो नहीं आ रहे हैं और इसके अंदर टैलेंट बहुत छुपा हुआ है। मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, आप भाई का कान पकड़ लो फिर मैं जवाब दूंगा। कान पकड़े पहले फिर बताता हूँ मैं। ओके जी, अच्छा जी, पहले सवाल का जवाब था कि मैंने आपसे पूछा था कौन सी चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं होती, और दूसरे का जवाब है सवाल करेंगे ये खवातीन को बेहतर बताओ। यार एक कॉमन सेंस है ना, देखिए कॉमन सेंस है, वो तो कॉमन सेंस के सवाल इसी तरह के होते हैं, ठीक है। और दूसरे सवाल का जवाब है कि सोने की वो कौन सी ऐसी चीज है जो सुनार नहीं बेचता? अच्छा, ये आपने सुनार बोला यार, सुनार नहीं बेचते ना। यार भाई आपसे बदला लेगा, इसका कान आपने जोर से पकड़ा है। और किसी नाजिन चलते हैं, मिलते हैं किसी और से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? मेरा नाम शाह मोहम्मद दीन है। और भाई का क्या नाम है? इसरार। इसरार, आप लोग यहीं के रहायशी हो या कहीं से आए हो? नहीं, हम यानी स्टूडेंट है, हॉस्टल में रहायशी है। हॉस्टल में रहायशी है। अच्छा, स्टूडेंट है तो मतलब को आपका कॉमन सेंस भी अच्छा होगा दोनों का? अच्छा है। अच्छा है, तो कॉमन सेंस का एक सवाल हो जाए आपसे। हाँ पूछो। वो कौन सी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती? फटने की आवाज़ नहीं होती, एक मिनट जस्ट, फटने की आवाज़ नहीं होती। जो भी ज़हन में आ रहा है पता नहीं। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं जी, वो क्या चीज़ है जिस जो हमें पैदा होने के बाद मिलती है? पैदा होने के बाद वो क्या चीज़ है जो हमें पैदा होने के बाद मिलती है लेकिन मिलती है अल्लाह की तरफ से? वो एक नाम, नाम जिंदगी, जिंदगी पैदा होने के बाद मिलती है। क्यों? मैंने कहा पैदा होने के बाद मिलती है। तो पैदा होने के बाद लिख दिए जाते हैं? पैदा होने के बाद काफी टाइम बाद। बीवी पैदा होने के बाद अल्लाह की तरफ से तो नहीं मिलती, वो तो माँ बाप दिलाते हैं। यार आप भी कुछ सोचो। मैं बताऊंगा इसके बदले आप क्या करोगे? चलो आप बता दो। इधर एक मिनट के लिए खड़े होके ऐसे लुड्डी डाल के दिखाओ, मैं बताता हूँ। नहीं पता, नहीं पता, नहीं नो आइडिया, नो आइडिया, पता नहीं। कॉमन सेंस सही नहीं है मेरा। अच्छा जी, वो है वो अल्लाह की तरफ से मिलता है, मैं बाद में मिलते हैं पैदा होने के बाद, ठीक है भाई। चलो मज़ा आया भाई आप लोगों से मिलके, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई का? हज़रतुल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला भाई, यहीं के रहायशी हैं कहीं से आए हुए? नहीं जी, मैं पेशावर से आया हूँ। पेशावर से आए? वाह यार, बड़ी खूबसूरत जगह है वो। जी बिल्कुल माशाल्लाह। अच्छा, कॉमन सेंस कैसा भाई का? जी फरमाइए। मेरा एक सवाल है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती? कौन सी ऐसी चीज़ है? एक मिनट थोड़ा सोचता हूँ। हाँ सोचिए सोचिए भाई, आप आगे आ जाओ थोड़ा सा, पड़ी हो सकता है।
नहीं भाई, इसकी भी आवाज होती है। ऐसा चीज को क्या चीज आ सकती है? चलिए उबलती है या क्या चीज होती है? नहीं, फटने की आवाज ही है। फटने की मसल कैसी चीज है? मसल को फट जाती है या फटती है तभी तो कह रहा हूँ उसका। नहीं, मतलब है कि सख्त चीज है या नरम चीज है, खुराक वाला चीज है, पीने वाला चीज है, कौन सा चीज है? खुराक वाला चीज है। खुराक वाला चीज समझ ले। करते क्या है? मैं इधर जॉब करता हूँ। किस चीज में? अकाउंटेंट हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। आप क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग है माशाल्लाह, दोनों अकाउंटिंग है। मतलब आपका ब्रेन तो तेज होना चाहिए, तेज होना चाहिए ना। जो हमने पढ़ा लिखा है उसमें तेज होना चाहिए ना। अच्छा चले, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? दूध तो चमगादड़ देता है, लेकिन अंडों का कन्फर्म नहीं है। लेकिन चमगादड़ है नहीं। नहीं, दूध तो वैसे वो देता है चमगादड़, हाँ, लेकिन अंडे भी देता है और दूध भी। जानदार या परिंद? जानदार, जानदार, जानदार तो है, लेकिन इसे परिंदा है या जो? नहीं, नहीं, परिंदा नहीं है। परिंदा नहीं है, फिर चूहा? नहीं, नहीं। फिर बच्चे देता, अंडे थोड़ी देता। चमगादड़ भी है, चूहा भी नहीं है, तो फिर क्या है? ये तो देखे, ये एक कर ले, साइंस का ट्रिक हो गई जी। बिल्कुल, दूध भी देता है और अंडे भी। ऐसे रिपीट कर दूं, वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी? अंडे देता है या अंडे है? अंडे देता भी है, दूध भी देता है। दूध भी देता है और अंडे भी देता है। वो अंडे भी देता है, दूध भी देता है। बिल्कुल सही बात है। चले जी, मजा आया आपके साथ बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद साकिब हूँ। मोहम्मद साकिब, आपका कॉमन सेंस कैसा बेटा? मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं आती? दूध का शापर। और फटने की नहीं पता। नहीं पता, आपका कॉमन सेंस अच्छा था, क्या हो गया? बस आपने सवाल ही ऐसा किया है। तो कॉमन सेंस के सवाल ऐसे ही होते हैं ना। और कुछ पूछ लें? और कोई पूछ लूँ। अच्छा, वो कौन सा ऐसा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? जानदार है। गुड, सही जवाब। चलिए जी नाज़िम, ये पहला बच्चा जिसने हमें सही जवाब दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई का? अली सुल्तान। अली सुल्तान भाई, आप क्या करते हो? मैं बिजनेस करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का। नेटवर्क मार्केटिंग का, माशाल्लाह, गुड। कॉमन सेंस कैसा भाई? कॉमन सेंस अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो आपसे कॉमन सेंस का एक सवाल हो जाए। पूछे। वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती? अच्छा, ये कॉमन सेंस का सवाल। फटने की आवाज़ तो बेसिकली हर चीज़ की होती है, मतलब अगर कोई चीज़ फटेगी उसकी आवाज़ तो होगी। लेकिन एक चीज़ है जिसके फटने की आवाज़ नहीं होती, वो तो अगर आप कंट्रोल कर सकते तो फिर नहीं आएगी। लेकिन इसके अलावा भी कोई चीज़ है। मतलब आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, तो यही कॉमन सेंस है। नहीं नहीं, ये कॉमन सेंस नहीं है। मेरे पास तो जवाब सिर्फ यही है, इसका नाम भी नहीं बता सकते। अच्छा चलिए, आप मुझे ये बताएं कि वो कौन सा जानदार है जो दूध भी देता है और अंडे भी देता है? दूध भी देता है और अंडे भी, जानवर है? जानदार। इतनी कॉमन सेंस तो नहीं है कि मतलब जनरल नॉलेज के सवाल पूछ रहे हैं आप, तो इसके लिए थोड़ा सा। जनरल नॉलेज का नहीं है, कॉमन सेंस का सवाल है। दूध भी देता और अंडे भी, ये तो अजीब प्राणी है। ये तो समझ से बाहर है, तो इसके बारे में सर्च करके बताऊंगा आपको। जब तक आप सर्च करेंगे, अभी आप हमारे पास आए तो आप क्या करें, हम आपके साथ क्या करें? फिलहाल तो हमें छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? कमल। कमल कहाँ के रहायशी है? पिंडी के ही है या कहीं से शिफ्ट? नहीं, कहीं और से आए हैं यहाँ। वेट किया? क्या करती है? मैं थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह, मतलब आपका ब्रेन तेज होगा। एक कॉमन सेंस का सवाल हो जाए, कर लें। वो क्या चीज है जिसके फटने की आवाज नहीं होती? दिल।
दिल कभी फटने की आवाज नहीं आती। नहीं ये दिल नहीं है, दिल अंदर टूट जाता है। नहीं लेकिन वो दिल नहीं है। इसके अलावा, इसके अलावा पता नहीं। अच्छा वो क्या चीज है जो सोने की, वो क्या चीज है जो सुनहार नहीं बेचता? कॉमन सेंस के सवाल है मुझे। मतलब आपका वैसे, मतलब आपका ब्रेन जो है वो कॉमन सेंस में जीरो हो गया। जीरो हो गया मेरा ब्रेन। सोने की वो जो सुनहार नहीं बेच सकता, ठीक है। वाह आप जीत गए। थैंक यू मेरा इनाम। ओके जी मजा आया। बुढ़िया वो है चारपाई, वो है दूध, वो है चारपाई, वो है दांत, इंसान ही होगा। सही जवाब। दुकानदार वैसे इंसान नहीं है, दुकानदार जो नॉर्मल हमारे करियाने के स्टोर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो दूध भी देते हैं और अंडे भी देते हैं। वो चरपाई है और दूध है वो जिसकी फटने की आवाज। वाह जी। नाजरीन कैसा लगा आपको हमारा पैगाम? हमने आज कॉमन सेंस के कुछ सवाल किए थे और उनके कुछ ने जवाब दिए, कुछ ने नहीं दिए। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे से कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से आगाह करें। इसके साथ ही अगले प्रोग्राम के लिए इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।